हाय। सो आज का टॉपिक थोड़ा सा हम क्या बोलूँ मैं इसको, सीरियस भी करने वाले हैं और थोड़ा सा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा ये वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हाय, माय नेम इज शिवानी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ द प्रोजेक्शन कनेक्ट। सो वी कम टू द न्यू पॉइंट आर के का हमारा नया टॉपिक है जिसके साथ हम आए हैं। तो उस टॉपिक का नाम मैं बता देती हूँ। बेसिकली द टॉपिक इज टॉप 6 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया इन 2023। सो बेसिकली नॉट इन इंडिया पर्टिकुलर, कहीं भी आपके जो टॉप 6 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स होंगी वो कौन सी होंगी ये है यहाँ पर। तो वह लास्ट जो हमारा वीडियो था, लास्ट टू लास्ट वीडियो था हमारा, जो था रिसेशन के ऊपर। तो क्या था, अभी रिसेशन अभी दिसंबर में चल रहा है, समय 2022। सो अब अपकमिंग फ्यूचर, फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि फ्यूचर में कौन सी जो जॉब्स है ना वो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स होंगी, कि अगर रिसेशन में आपका करियर इफेक्ट हो रहा है इस केस में, ये इफ़ यू आर अ फ्रेशर, अगर आप एक फ्रेशर भी हो, एक्सपीरियंस पर्सन भी हो, तो किस फील्ड में जाना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको करियर अपना बनाना है, और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको क्या स्किल अपग्रेड करनी है, तो पीछे वाले वीडियो में जाके चेक करो हमारे। और अगर आप फ्रेशर हो तो किस तरीके से आपको कौन सी जॉब चाहिए होंगे, वो ये हमारा पूरा वीडियो है, टॉपिक है। सो बेसिकली 6 जॉब्स हैं, मैं यहाँ पे बताऊँगी कौन कौन सी हैं। तो हाउ स्टार्टेड, कैसे हुआ रिसेशन का भी एक थोड़ा सा मैं ग्लिम्स दे देती हूँ बेसिकली। सो वन ऑफ माई फ्रेंड, शी इज़ एन HR इन Amazon बेसिकली, एंड मैं उससे बात कर रही थी, तो आई गॉट द कॉल फ्रॉम हर। तो शी वॉज लाइक, मैंने उसको पूछा कि अरे यार ये बता कितना Amazon में इतना हायरिंग एंड फायरिंग चल रही है, फायरिंग ही चल रही है, नॉट हायरिंग, फायरिंग चल रही, क्या तुम लोग क्या काम करो, बिकॉज शी इज़ इन टू HR। तो शी वॉज लाइक कि शिवानी, जो हमें जो सिखाया जा रहा है वो हमें रिक्रूटमेंट के अलावा अभी जो चीज़ें हो रही हैं, बेसिकली हायरिंग ज़्यादा हमें और चीज़ों में सिखाया जा रहा है, हायरिंग अभी पॉज है। उसने मुझे इंडिकेट कर दिया हायरिंग पॉज है, तो कभी कोई भी Amazon है उसमें हायरिंग नहीं हो रही है किसी और कंपनी में। तो उस केस में अगर आप एक अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो, किस तरीके से आपको करियर स्टार्ट करना है, तो वो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिया हुआ है, ठीक है। सो पहला हम अगर बात करें कि सबसे अच्छी जॉब्स कौन सी होती है, सबको पता है आजकल बीमारियां बहुत होती हैं लोगों को, लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट, बिकॉज ऑफ द, हम रहते हैं इंडिया में पर टाइम अकॉर्डिंग हमने USA के अकॉर्डिंग कर रखा है, अभी सोते हम बहुत लेट हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सो ये सब क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी हो गई यहाँ पे, जो सबसे अच्छी जॉब, सबसे अच्छी सैलरी, किसमें कभी रिसेशन कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, इसको हम बोल सकते हैं कि रिसेशन फ्री जॉब्स जो हैं। तो पहली जॉब्स हो गई हमारी मेडिकल प्रोफेशन। सो मेडिकल प्रोफेशन बेसिकली डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, यहाँ पे कभी कमी नहीं पड़ेगी, यहाँ पे दिनों दिन कमी जॉब्स निकल रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है सबको, आजकल 2025 एज में लोगों को बैक पेन हो रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो उस केस में मेडिकल प्रोफेशन बोले कि जो मेडिकल प्रोफेशन है ना, सबसे अच्छा प्रोफेशन है इन टर्म्स ऑफ द पेइंग जॉब्स, बेसिकली पैसे के मामले में, और रिसेशन का केस में कभी रिसेशन नहीं जाएगा इसमें, जिस दिनों दिन इसमें जॉब्स बढ़ती जाएंगे, क्योंकि लोग बीमार पड़ते जाएंगे और लोगों की जो डॉक्टर्स की नीड रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, तो वही वाला केस है। तो अगर हम इस बात करें कि मेडिकल प्रोफेशन में बात करते हैं कि MBBS हो गया, BMS हो गया आपका, इवन डॉक्टर्स अभी आजकल डेंटिस्ट भी की भी काफ़ी डिमांड है, BDS हो गए, तो ये सारे आपके होम्योपैथिक हो गए, एलोपैथिक हो गए, सब में डॉक्टर्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला कौन सा हो गया आपका, मेडिकल प्रोफेशंस। सो अब इसकी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बेसिकली हायरिंग के लिए हम बात कर लेते हैं, कहाँ पे लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हायरिंग करते हैं। तो जो हॉस्पिटल्स हैं, एम्स सबको पता है, ऑल ओवर इंडिया एम्स है, इवन नए एम्स बन भी रहे हैं, तो एम्स आपकी सबसे बोल सकती हूँ हायरिंग के टॉप पर है। एम्स हो गया, फोर्टिस हो गया, फोर्टिस जो हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो हो गया, तो ये सारे जो हॉस्पिटल्स हैं ये ज़्यादा हायरिंग होते हैं, बिकॉज दे हैव ब्रांचेस। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली का हॉस्पिटल है, दे हैव ब्रांचेस मल्टीपल प्लेसेस, तो उस केस में दे हैव मल्टीपल ओपनिंग्स इज वेल। अगर मैं बात कर लूँ एक एवरेज सैलरी की, तो अगर मैं बात करूँ एक फ्रेशर जो जिसने MBBS किया हुआ है या कुछ और डिग्री ले रखी है, ग्रेजुएट है बेसिकली यहाँ पर मेडिकल प्रोफेशन में, तो उस पर्सन की जो सैलरी स्टार्ट होती है, क्योंकि हमने खुद हायरिंग की है, जो नोएडा में कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनके लिए हमने काम किया हुआ है, उस केस में जो मेरे पास एक बजट आता था, मैं उसी बेस पे बात कर रही हूँ, मैंने कोई ऐसे रिसर्च करके मैंने उससे निकाला, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं निकाल रही हूँ कि क्या एक सैलरी होती है। तो सैलरी जो उनकी है मेडिकल प्रोफेशन में, वो हमारे स्टार्ट होता है, काफ़ी अलग अलग हॉस्पिटल अलग देते हैं, बट एक एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 1.5 लाख का आपका जो होता है मंथली, दिस इज मंथली, तो 1 लाख का आपका हो गया। कई लोग होते हैं जैसे इवन कई डॉक्टर्स को 50,000 भी ऑफर कर रहे होते हैं, तो ये डिफरेंट है। तो आपका अगर एवरेज सैलरी निकालो 1.5 LP हो गया पर मंथ, नॉट पर मंथ हो गया आपका, नॉट एनम, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं कि अगर हमारा दूसरा प्रोफेशन हो गया, कौन सा हो गया हमारा, मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग की बात करूँ, तो बेसिकली मशीन लर्निंग को या AI, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को AI बोलते हैं, AI और ML में आपका करियर। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं बीटेक कर रहे हो, बीटेक किया, बीटेक करने के बाद उनको उसमें जाना है, जैसे
हम वर्चुअल रियलिटी की बात करें, VR, AI की बात करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो AI में बेसिकली अगर आप लोग देख रहे हो काफ़ी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, मेटावर्स हुआ है जो, तो इन सब में ये जो फ्यूचर की पर्सपेक्टिव्स हैं, ये फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज हैं, इन ये बेसिकली फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट अब होंगी, लाइफ में क्या क्या हमारे होंगी। बिकॉज आजकल बात करूँ, लोग AI में बहुत ज़्यादा फैशिनेटिंग लगता है, AI लोगों को कि बहुत फैशिनेटिंग है ये, तो उसमें आपका जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मशीन लर्निंग का हो गया, AI का हो गया, जिसमें अगर आप अपना फ्रेशर हो, आप अपना करियर बनाना चाहते हो, बिल्कुल गुड टू गो है, वो आप उसमें जा सकते हो, रिसेशन फ्री जॉब है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी राइट नाउ, एटलीस्ट अभी कुछ टाइम तक तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप अच्छे करते हो तो फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूँ, तो एवरेज सैलरी यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाता है, आपका जो पैकेज है 4 से 6 LPA तक आपका हो जाता है। ये मैं बात कर रही हूँ एक नॉर्मल एवरेज सैलरी की बात करें, अगर फ्रेश एज अ फ्रेशर आप स्टार्ट करते हो। अब इसकी बात करूँ मैं, कंपनीज कौन कौन सी हायर करती हैं, कंपनी आपकी IBM हायर कर रही होती है, बार्कलेज हायर कर रही होती है, और आपकी डेल है, ये हायर कर रहे होते हैं। तो दीज आर द कंपनीज जो AI एंड ML की प्रोफाइल पर बेसिकली हायर करते हैं। IBM हो गया आपका, देन उसके बाद हमारा है फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर क्या हुआ, बेसिकली जो फ्रंट एंड पे बैक एंड पे दोनों पे काम कर सके, बेसिकली डिज़ाइनिंग स्क्रैचिंग से वेबसाइट्स हो गया, सॉफ्टवेयर्स हो गए, उनको डिज़ाइन करना, डेवलप करना, तो फुल स्टैक में बेस्ड। तो यहाँ पे जब किसी एक ऐड भी देखा होगा जिसमें एक कंपनी में सारे लोग आग लग जाती है, एक ऐड है ये कि आग लग जाती है उसमें, तो सारे लोग एक पर्सन को, एक किसी सर्टिफिकेशन कोर्स का ये ऐड था कि उस एक पर्सन को सब लोग बचाना चाहते हैं, बिकॉज वाई, बिकॉज वो फुल स्टैक डेवलपर है। तो आप यहाँ समझ लो कि आग लग गई है, सबको बचा रहे, बस उस पर्सन को बचा रहे हैं बेसिकली। क्यों बचा रहे हैं, क्योंकि फुल स्टैक है, तो क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी एंड टेक स्किल्स के पास अच्छी अपग्रेड है, टेक स्किल्स है, तो राइट। तो रिसेशन इस केस में नहीं होगा, बिकॉज आपके पास जो स्किल सेट है वो आपने अपनी स्ट्रॉन्ग बना रखी है। अगर इसकी सैलरी की बात करूँ, तो फुल स्टैक डेवलपर की एवरेज सैलरी स्टार्ट होती है आपका 6 लाख से मिनिमम बात कर रही हूँ, 6 लाख से स्टार्ट होता है एक एवरेज, बहुत वेयर मिनिमम बता रही हूँ मैं फुल स्टैक का। अगेन द सेम कंपनी, IBM हो गया, डेल हो गया, कैपजेमिनी हो गया, एंड जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, तो फुल स्टैक डेवलपर के लिए हायर कर रही होती हैं। देन हमारा बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में CA। अब सबको पता है CA क्यों काम करता है, बेसिकली रेगुलेटिंग दी मनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मनी को हो गया कंट्रोल करना, मॉनेटरी टर्म्स में बेसिकली जो काम होता है वो सारा CA करता है। अब CA क्या होता है, कि जब भी किसी कंपनी को रन करना है, तो कंपनी को रन करने के लिए क्या चाहिए, फंड चाहिए। अब कंपनीज भी बंद नहीं होने वाली कितना भी रिसेशन आ जाए, और ये भी नहीं होने वाला कि CA की रिक्वायरमेंट नहीं हो, बिकॉज फाइनेंस चाहिए। जब फाइनेंस आ गया, वहाँ पे अकाउंटेंट और CA तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैंक में आ ही गए। तो वही केस है कि CA की जो एक एवरेज हम बात करें कि CA की एक एवरेज सैलरी क्या होती है, तो अगर एक CA, अभी मेरे पास एक क्लाइंट था, मुंबई का क्लाइंट था, उनको CA चाहिए था, उनकी मैं बात कर ली थी, उन्होंने मुझे क्या ऑफर किया था, ब्यूटी इंडस्ट्री से क्लाइंट है वो, अच्छा काफ़ी रिनॉल्ड क्लाइंट है वो, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया था कि शिवानी आई एम लुकिंग फॉर पर्सन फॉर CA रोल, और जिसको ये सैलरी वो लोग ऑफर कर रहे थे 10 LPA, उन्होंने 10 से स्टार्ट किया था कि मैं उसको 10 स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मिनिमम है, फ्रेशर वो देख रहे थे, बट CA पास होना चाहिए, तो 10 उनका मिनिमम था, 10 से स्टार्ट है। एक आपकी मिनिमम पैकेज ले लूँ मैं, 10 आपका हो जाता है CA के लिए, CA प्रोफाइल के लिए, बट पास आउट के लिए था, अपेयरिंग वाला नहीं, पास आउट था। अब इसके बाद कंपनी की बात करूँ, कौन सी कंपनीज हैं CA के लिए हायर कर रही हैं, मैं बता देती हूँ, EY है बेसिकली जो सबसे रेनॉल्ड कंपनी है इन टर्म्स ऑफ दिस अकाउंटिंग फाइनेंशियल वाला पार्ट। आपका हो गया BDO इंटरनेशनल, ये क्लाइंट हो गया एक, ये बेसिकली एक कंपनी हो गई। देन KPMG हो गई, डिलॉइट हो गई, तो दीज आर द फॉर्चुनेट कंपनी जो हायर कर रहे होते हैं। अब जैसे मैं देखूँ कि इन कंपनीज में CA जो हो गए ना, CA हर एक कंपनी में चाहिए होंगे, हर एक कंपनी को रेगुलेट करने के लिए चाहिए होंगे मॉनिटरी टर्म्स को बेसिकली, तो उस केस में CA प्रोफाइल में रिसेशन का चांसेस नहीं होते हैं। देन हम बात करूँ इन्वेस्टमेंट बैंकर। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या, उन्हें बड़ा नाम तो बहुत सुना होगा, ये मूवी थी एक, कौन सी थी, जिंदगी मिलेगी दोबारा, उसमें वो ऋतिक रोशन बेसिकली बनाता है इन्वेस्टमेंट बैंकर, तो उसमें बहुत फैसिनेटिंग थी कि वो कॉल से सब हैंडल कर रहा है और सब कुछ हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर बेसिकली क्या हुआ, नाम से लगा था इन्वेस्टमेंट बैंकर है, पैसा ही पैसा होगा पैसा ही पैसा होगा, बिकॉज ये रेगुलेटरी पैसा करते हैं। तो उस केस में अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट बैंकर में, तो किसी, अच्छा मैं अपनी बात करूँ, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास मेरी इनकम हो रही है, तो उस केस में अब इनकम ऐसा तो नहीं होगा ना कि पैसे को मैं किसी जगह रख दूँगी और फिर डबल पैसे बनेंगे, नहीं, वी हैव टू इन्वेस्ट इट। अब उस इन्वेस्टमेंट को कौन बताएगा, मेरे रेगुलेट जो इन्वेस्टमेंट को कौन रेगुलेट करेगा, कौन हैंडल करेगा,
इस केस में काम आते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकर। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर की बात करूँ कि मैं किसी से कनेक्ट करूँगी, मैं बैंक से कनेक्ट करूँगी, जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर रखते हैं जो मुझे आइडियाज़ देंगे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना रिटर्न कहाँ से आएगा, सारे मेरी जो मॉनिटरी टर्म्स को बेसिकली हैंडल करेंगे इन्वेस्टमेंट को। तो यहाँ पे हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकर काम आते हैं। इनकी अगर मैं एवरेज सैलरी लेके चलती हूँ तो इनकी एवरेज सैलरी आपकी जाएगी 4 LPA बेसिकली स्टार्ट होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर का। फ्रेशर्स की बात कर रही हूँ जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट करना है, एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं, तो 4 LPA से स्टार्ट होकर मिनिमम वेयर है। इसके बाद आपका अपग्रेड होता रहता है कंपनी टू कंपनी और इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन डिपेंड करता है। देन अगर हम इसकी बात करें कौन हायर करे, से HSBC हो गया आपका, जो बैंक्स हो गए बेसिकली, HSBC हो गया आपका, सिटी बैंक हो गया आपका, JP Morgan हो गया, तो ये सारे क्या काम कर रहे होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर उसको हायर कर रहे होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम काम करते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट की। अब हम मैनेजमेंट कंसल्टेंट की प्रोफाइल लेना क्या होते हैं, जो बेसिकली आइडियाज़ देते हैं, एडवाइस दे देते हैं मैनेजमेंट। नाम समझ लो, आप नाम समझ जाओ कि प्रोफाइल क्या है, मैनेजमेंट को कंसल्ट करना बेसिकली। बहुत सिंपल बोल रही हूँ, सिंपल नहीं बोल सकती कि मैनेजमेंट को कंसल्ट करना, उनके रेगुलेट बेसिकली। ये क्या हुआ, हर एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बताया था जो इन्वेस्टमेंट को, जो हमारे मॉनिटरी टर्म्स को देखता है, CA क्या रेगुलेट करता है, कितना फंड कहाँ जाना चाहिए, किस बेसिस पे ऑडिट होना चाहिए, ये बेसिकली सब कर रहा होता है। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या करते हैं, ये बेसिकली एडवाइजरी की तरह काम करते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कराना है तो उस केस में वो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि बूस्टअप हो परफॉर्मेंस उसके एम्प्लॉयज़ की, बेसिकली उसकी जो जहाँ वो इन्वेस्टमेंट की जा रही है ROI उनका अच्छा हुआ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिकली, तो वो अच्छा हो उनका। बेसिकली एम्प्लॉय पे ही डिपेंड करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम, तो उसके किस तरीके से कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आइडियाज़ पर काम करना चाहिए, किस तरीके से हम ग्रोथ करें, किस तरीके से हम ग्रोथ को अपना मैक्सिमाइज़ करें, किस तरीके से हमारे जो मैनेजमेंट के इश्यूज़ होते हैं उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो ये तरीके हैं। ये बेसिकली कौन एडवाइस करता है, एडवाइजरी काम करता है मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब इसके लिए कितनी आपकी सैलरी क्या है, तो सैलरी का अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा ये हो जाता है 6 to 7 LPA से स्टार्ट होता है मिनिमम बेयर, आपका बताया मैंने 6 lakhs से स्टार्ट होता है। आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप स्टार्ट कर सकते हो, इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने पड़े, आपको मैनेजमेंट से आपने ग्रेजुएट की है, आपने MBA हुआ, BBA हो, तो अच्छा अपार्ट फ्रॉम HR ना ये भी करियर होता है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये पता होना चाहिए बस। अब कौन हायर कर रहे हैं, मैं नाम बता देती हूँ, जैसे KPMG हायर कर रहे हैं, डिलॉइट हायर करता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आपका EY हायर करता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट, दीज आर द जॉइंट कंपनी जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट हायर करते हैं। इवन नाउ इन नाउ डेज ना जो स्टार्टअप्स होते हैं, स्मॉल साइज की कंपनी होती है, स्मॉल स्केल की कंपनीज होती है, दीज पीपल लाइक दी कंपनीज आर ऑल्सो हायरिंग फॉर द मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो ये हमारा पॉइंट था बेसिकली, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या पॉइंट है हमारा, कि मैं ऐसी जॉब्स के बारे में बता रही हूँ आपको रिगार्डलेस ऑफ द सेक्टर, कोई सेक्टर नहीं है, बस आपको जॉब्स के बारे में बता रही हूँ कि बीइंग अ फ्रेशर, अगर आप अपना करियर बनाना चाह रहे हो और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप किसी और चीज़ में करियर मूव करना चाह रहे हो, तो इन पॉइंट्स को आप 6 जो जॉब रोल्स हैं इनको आप देख सकते हो। पहला मैंने बताया था आपको मेडिकल प्रोफेशन सबसे सही है, सबसे अच्छा है, बिल्कुल आप डॉक्टर बने और खूब पैसा कमाएं। सेकेंड आपका हो गया मेरा बताया था फुल स्टैक डेवलपर, बताया था मैंने आपको मैनेजमेंट कंसल्टेंट बताया था, मैंने आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बताया था। दीज आर दी जॉब्स विच यू कैन टेक इफ़ यू वांट टू मेक योर करियर इनटू रिसेशन फ्री बेसिकली। तो ये हमारे पॉइंट्स थे, आई होप समझ में आ गया होगा सारा। बाकी हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन पर हमें फॉलो कर सकते हो, बिज एक्शन कनेक्ट के चैनल को, एंड अगेन लास्ट मैं बोलती हूँ हमेशा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो आप, इंस्टाग्राम पर आप मेरे को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो जहाँ पे आपको जॉब के अपडेट मिल जाएंगी, और बिज एक्शन कनेक्ट के चैनल को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।